हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा क्रॉप इंप्रूवमेंट्स ऑफ रबी क्रॉप। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन। जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वाराणसी में, श्रीनगर में, शिमला में या पटना में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? शिमला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? शिमला। जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है? शिमला में, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली इज रिसर्च इज इन। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च है वो कहाँ पर लोकेटेड है? जबलपुर में, करनाल में, वाराणसी या शिमला में? तो जो बार्ली और व्हीट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हमारा करनाल हरियाणा में लोकेटेड है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज़ अ ग्रीन सीडेड वेराइटी ऑफ चिकपी। इनमें से कौन है जो कि ग्रीन कलर की सीड पाई जाती है? ठीक है, कौन सी है ग्रीन सीडेड वेराइटी ऑफ चिकपी? विशाल, विजय, DNG 798 या हिरवा चफा? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रीन सीडेड वेराइटी है चिकपी की। मीन्स ये सूखने के बाद भी किस कलर की रहती है? ग्रीन कलर की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हिरवा चफा। जो हिरवा चफा जो है वो ग्रीन सीडेड वेराइटी है चिकपी की। अगर DNG 798 क्या है, ये हमारी काबुली वेराइटी है। ठीक है, जो काबुली चना होता है, काबुली चना की वेराइटी है। तो ये भी याद रखिएगा, काबुली चने की वेराइटी कौन सी है? DNG 798। देन क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विलायती बैगन। ठीक है, इनमें से कौन है जो कि विलायती बैगन के नाम से जाना जाता है? टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल या ओनियन? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो फिर आपको हम पिन कर देंगे कमेंट में। अगर आपको PDF चाहिए इस वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, सी बिगुजम इज अ वाइल्ड स्पीसीज ऑफ विच क्रॉप। ठीक है, जो सी बिगुजम है वो किस क्रॉप की वाइल्ड स्पीसीज है? वीट की है, चिकपी की है, पी की या मेज की? ठीक है, तो ये किसकी वाइल्ड स्पीसीज है? चिकपी मीन्स चने। मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, ब्रेसिका जिंसिया इज अ क्रॉस बिटवीन। जो ब्रेसिका जिंसिया है वो किसके बीच का क्रॉस है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस इंटू नाइग्रा या कंपेस्ट्रिस इंटू ऑलरेसिया या नाइग्रा इंटू ऑलरेसिया? ठीक है, तो ब्रेसिका जिंसिया किसके बीच का क्रॉस है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस इंटू ब्रेसिका नाइग्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके बीच का क्रॉस है? तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस इंटू ब्रेसिका नाइग्रा। क्वेश्चन पूछ लेगा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस का जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 20, और नाइग्रा का कितना होता है, तो 2n = 16। ठीक है, याद रखना, इन दोनों से क्रॉस बना, जब दोनों को क्रॉस किया गया, इसका जीनोम AA था, ठीक है, कंपेस्ट्रिस का, इसका BB, दोनों का किक आया, तो कितना बन गया यहाँ पर? ठीक है, कितना हो गया इधर? 10 प्लस इसका 8, ठीक है, तो 18। जो ये 18 आया ना, ये हमारा स्टेराइल थे। ठीक है, तो इसको क्रोमोजोम डबलिंग किया गया तो 36 हुआ, जो कि एक फर्टाइल है। ठीक है, तो ब्रेसिका जेंसिया हमारी क्या है, उसका क्रोमोजोम नंबर कितना है? 2n = 36। तो क्रोमोजोम नंबर भी याद रखना, ब्रेसिका जेंसिया का क्रोमोजोम नंबर 36 होता है, कंपेस्टिस का 20, ब्रेसिका नाइग्रा का 16। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और देन क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मस्टर्ड। इनमें से कौन है जो कि इंडियन मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है? ब्रेसिका जेंसिया, ब्रेसिका नाइग्रा, कंपेस्टिस या ऑलरेशिया? ठीक है, तो जो इंडियन मस्टर्ड है वो कौन सा है? ब्रेसिका जेंसिया। ठीक है, जो कि क्रॉस है किसके बीच का? ब्रेसिका कंपेस्टिस इंटू ब्रेसिका नाइग्रा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर एट, सीड रेट ऑफ हाइब्रिड टोमेटो इज। हाइब्रिड टोमेटो का जो सीड रेट है वो कितना है? 200-250 ग्राम पर हेक्टेयर, 100-150 ग्राम पर हेक्टेयर, 400-500 ग्राम पर हेक्टेयर या 1.2 kg पर हेक्टेयर? तो जो हाइब्रिड टोमेटो है उसका जो सीड रेट होगा वो कितना हो जाएगा? 100-150 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर नॉर्मल जो टोमेटो है, ठीक है, नॉर्मल है बिना हाइब्रिड वाला, तो उसका कितना हो जाएगा? 400-500 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक, तो हाइब्रिड का 100-150 ग्राम, और नॉर्मल टोमेटो जो सीड रेट होता है उसका 400-500 ग्राम पर हेक्टेयर। देन क्वेश्चन नंबर नाइन, ऑरिजिन ऑफ शुगर केन इज। शुगर केन का जो ऑरिजिन प्लेस है वो क्या है? न्यू गिनिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया या ब्राज़ील? ठीक है, तो न्यू गिनिया जो क्या हो जाएगा? ऑरिजिन प्लेस हो जाएगा शुगर केन। मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, न्यू गिनिया। देन क्वेश्चन नंबर टेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नोबल केन। इनमें से कौन है जो कि नोबल केन के नाम से जाना जाता है, जो कि नोबल केन है? ठीक है, सैक्रम ऑफिसनेरियम, सैक्रम बारबरी या साइनेंसिस या स्पॉन्टेनियस?
तो सभी के बारे में जान लेते हैं कौन किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नोबल केन की बात करें तो नोबल केन का यहाँ क्या हो जाएगा, सैक्रम ऑफिसिनेरियम, मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है नोबल केन। बारबरी को हम लोग इंडियन केन कहते हैं, ठीक है, इंडियन केन कहते हैं, जिसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, तो 2N इज इक्वल टू 82 से 124 तक इसका क्रोमोजोम होता है। ठीक है, क्रोमोजोम नंबर भी याद रखना। अगर सैक्रम ऑफिसिनेरियम की बात करें तो इसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, 2N इज इक्वल टू 80। ठीक, सैक्रम ऑफिसिनेरियम 2N इज इक्वल टू 80। सैक्रम बारबेरी जो कि इंडियन केन कहलाता है, ठीक है, लो शुगर कंटेंट होता है, मिस जूस कंटेंट बहुत कम पाया जाता है। क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो 2N इज इक्वल टू 82 से 124। और सैक्रम साइनेंसिस जिसको हम लोग चाइनीज बोलते हैं, ठीक है, चाइनीज केन, तो इसका क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो 2N इज इक्वल टू कितना होता है, 118। ठीक है, और ये सैक्रम स्पॉन्टेनियस और एक और होता है, ठीक है, स्पीसीज है जो कि है हमारी है रोबस्टम। ठीक है, रोबस्टम, ये दोनों जो हैं ये कैसी हैं, वाइल्ड स्पीसीज है। ठीक है, ये दोनों हमारी कैसी हैं, वाइल्ड स्पीसीज है। तो ये चीज़ याद रखना, सैक्रम ऑफिसिनेरियम जिसको हम लोग नोबल केन के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोमोजोम नंबर 2N इज इक्वल टू 80, बारबरी को इंडियन केन के नाम से जानते हैं, और साइनेसिस को चाइनीज, और स्पॉन्टेनियस और रोबस्टम दोनों हमारे क्या हैं, वाइल्ड स्पीसीज हैं शुगर केन के। देन क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया जीन बैंक ऑफ वीट इज लोकेटेड है, इंडिया में जो जीन बैंक है वीट का वो कहाँ पर लोकेटेड है, IRI में, न्यू दिल्ली में, लुधियाना में, कानपुर में या करनाल में। ठीक है, तो ये कहाँ पर, IRI न्यू दिल्ली, मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, IRI न्यू दिल्ली। देन क्वेश्चन नंबर 12, पॉलिनेशन टाइप इन चिकपी, चिकपी हमारी कैसी क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप है, या क्रॉस पॉलिनेटेड है, या नन ऑफ दिस। तो चिकपी हमारी क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, द फ्रूट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज, जो रैपसीड और मस्टर्ड का जो फ्रूट होता है उसे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेन कहते हैं, पॉड कहते हैं, सिलिकुआ या कैरियोप्सिस। ठीक है, तो रैपसीड और मस्टर्ड का फ्रूट क्या कहलाता है, सिलिकुआ, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन एज, जो शुगर केन का इन्फ्लोरेसेंस होता वो क्या कहलाता है, रेसिम, साइमोज, एरोइंग या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको किसमें कमेंट में बताना है, इजी क्वेश्चन है कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन इज नोन एज। और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF इसकी मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंडियन केन, इनमें से कौन है जो कि इंडियन केन, इससे पहले ऊपर बताया था कि कौन सा इंडियन केन है। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, सैक्रम ऑफिसिनेरियम को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, नोबल केन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा, नोबल केन। बारबरी को क्या बोलते हैं, इंडियन केन। ठीक है, बारबरी को क्या बोलते हैं, इंडियन केन, और साइनेसिस को चाइनीज। ठीक है, चाइनीज केन। ठीक, और स्पॉन्टेनियस और एक दूसरी वैरायटी हमारी क्या है, रोबस्टम, दो हमारी क्या है, वाइल्ड स्पीसीज है। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज शुगर केन विजार्ड, इनमें से कौन से साइंटिस्ट है जो कि शुगर केन विजार्ड के नाम से जाने जाते हैं, गोल्डन, डॉक्टर KL चड्ढा, पुस्टोविट या TS वेंकट रमन। ठीक है, तो कौन है जो कि शुगर केन विजार्ड के नाम से जाने जाते हैं, तो TS वेंकट रमन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर पुस्टोविट के बारे में कभी पूछे तो हेड टू रो एंड रिमिनेंट मेथड। ठीक है, क्या है, हेड टू रो, ठीक है, हेड टू रो एंड रिमिनेंट मेथड याद रखना है, हेड टू रो एंड रिमिनेंट मेथड किसने डेवलप किया था, तो पुस्टोविट ने, क्या चीज़ इंक्रीज करने के लिए, तो ऑयल कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, हेड टू रो एंड रिमिनेंट मेथड डेवलप किया गया था। ठीक है, और डॉक्टर KL चड्ढा क्या है, अगर पूछे डॉक्टर KL चड्ढा क्या है, तो ये है पोमोलॉजिस्ट। ठीक है, पोमोलॉजिस्ट, और गोल्डन सिंगल सीट डिसेंट मेथड इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, गोल्डन के बारे में पूछे तो SSD में सिंगल सीट डिसेंट मेथड इन्होंने डेवलप किया था। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ यूनिवर्सली ट्रीटेड एज प्रोटेक्टिव फूड, कौन सी है जो कि यूनिवर्सली एज अ प्रोटेक्टिव फूड ट्रीट किया जाता है। ठीक है, पोटैटो को, टोमेटो को, वीट को या पी को। ठीक है, तो इसमें से टोमेटो को क्या यूनिवर्सली ट्रीटेड एज अ प्रोटेक्टिव फूड, मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन शुगर केन, शुगर केन में जो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन है वो क्या है। ठीक है, तो जर्मिनेशन है, फॉर्मेटिव स्टेज है, ग्रैंड ग्रोथ स्टेज है, या मेच्योरिटी स्टेज है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सी स्टेज कितने दिन के बाद आती है। अगर जर्मिनेशन स्टेज की बात करें तो हमारी ये आती है 0 से 60 डेज के बाद। ठीक है, डेज आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है, जर्मिनेशन स्टेज कितने दिन बाद आती है, 0 से 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग। जो भी ये स्टेज, इसके बीच की जो स्टेज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन स्टेज। ठीक है,
देन फॉर्मेटिव स्टेज की बात करें तो 60 से 130 डेज के बीच में जो स्टेज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव स्टेज। ग्रैंड ग्रोथ की स्टेज की बात करें तो 130 से 250, ठीक है, 130 से 250 के बीच में जो स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रैंड ग्रोथ स्टेज। और मेच्योरिटी क्या हो जाएगी, 250 से 365, ठीक है, क्योंकि हमारा शुगर केन लगभग एक साल का होता है, ठीक है, हार्वेस्टिंग कब करते, लगभग एक साल बाद। तो मेच्योरिटी स्टेज कब आती है, 250 से 365 डेज के बीच में जो स्टेज उसे क्या बोलते हैं, मेच्योरिटी स्टेज। तो सबसे ज़्यादा इरीगेशन कहाँ किस स्टेज में चाहिए, तो फॉर्मेटिव स्टेज में, मीन्स 60 to 130 डेज के बीच में सबसे ज़्यादा उसको इरिगेशन चाहिए, वो स्टेज हमारा क्या होता है, क्रिटिकल स्टेज होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे मोस्ट कॉमन मेथड क्या है इरिगेशन का शुगर केन में, तो फरो मेथड, ठीक है, फरो मेथड है जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है इरिगेशन का, ठीक है, मोस्ट कॉमन इरिगेशन का मेथड है फरो इरिगेशन, किसमें, शुगर केन में। क्वेश्चन नंबर 19, बर्निंग ऑफ केन इज डन फॉर, जो बर्निंग ऑफ केन किया जाता है, ठीक है, गन्ने को जलाया जाता है, तो वो किस लिए किया जाता है, इम्प्रूव सुक्रोज कंटेंट, इम्प्रूव जूस कंटेंट, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो बर्निंग ऑफ केन हम लोग मेनली किस लिए करते हैं, जो सुक्रोज कंटेंट है, ठीक है, उसमें जो मीठा पानी है उसको इंक्रीज करने के लिए, और जो उसमें जूस कंटेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। देन क्वेश्चन नंबर 20, मेल एंड फीमेल इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ रैपसीड, ठीक है, जो मेल और फीमेल का रेशियो होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में रैपसीड और मस्टर्ड की, ठीक है, यहाँ तक ना, रैपसीड और मस्टर्ड में मेल और फीमेल का रेशियो कितना होता है, 2:4, 2:6, 1:3 या 2:8, ठीक है, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो होता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में वो कितना होता है, 2:4, मीन्स अगर आप दो सीड मेल के बोएंगे तो 4 सीड फीमेल के, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपसे पूछे 2 और 6 किसका है, तो ये काफ़ी क्रॉप्स हैं, जैसे हमारा कैस्टर हो गया, ठीक है, कैस्टर हो गया, सैफ फ्लावर हो गया, या मेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेज में कितना होता है, 2:6। अगर यहीं पर चेंज कर दे फीमेल और मेल, ठीक है, क्या कर देगा, फीमेल और मेल, तब आपका कितना हो जाएगा, 6:2, ठीक है। और 1:3 भी पूछता है ये किसके होता, तो ये होता है कॉटन का, ठीक है, याद रखना, कॉटन कितना होता है, 1:3, और 2:8 हमारा राइस, ठीक है, राइस में कितना, 2:8 या 1:4 भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, तो दोनों चीज़ याद रखना है, 1:4 या 2:8, ठीक है। तो मस्टर्ड और रैपसीड में कितना होता है, 2:4, ठीक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।